हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग, ज़रूर कमेंट सेशन में बता दीजिएगा। तो आज मैं आपको एक वेरी सिंपल बट वेरी इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल बना के उसे कैसे आप आपकी स्कैल्प पे यूज़ कर सकते हो वो आज आपको बताने जा रही हूँ। एंड ये जो हेयर ऑयल है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग योर स्कैल्प एंड योर हेड एंड योर स्ट्रेन्ड आइज। एंड ये आपको एट द सेम टाइम आपके बालों को बहुत ही शाइनी ग्लॉसी बाउंसी भी बनाएगा और उसके साथ ही आपके बालों पे वॉल्यूम भी बढ़ा देगा। तो इस ऑयल को अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो यू कैन सी एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम सिल्की बाउंसी एंड ऑल। सो होप आपको ये हेयर ऑयल जो है आपको पसंद आएगा, इसे ट्राई भी करेंगे। एंड इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करने वाली हूँ आज, जो आपके आंखों को, आपके स्कैल्प को, आपके हेयर्स को, मतलब मेनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर हेड व्हेन यू हैव लाइक वेरी स्ट्रेस्ड आईज एंड वेरी हीट स्कैल्प, जिस दिन भी आपको ऐसा फील होता है ना, ओ यार बहुत स्ट्रेन हो रहा है, ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मतलब बहुत सिर गर्म हो जाने का, उस टाइम में अगर ये ऑयल यूज़ करेंगे ना, इट विल बी लाइक अ वेरी कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट। एट द सेम टाइम इट डज इट्स हेयर केयर यू नो पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑन योर हेयर्स एज वेल। तो इसमें मैं ऐड करूँगी तीन इंग्रेडिएंट्स, वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपको आराम से मिल जाएगा। और इस कौवे को भी अभी साउंड करना था जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो लेट मी वेट, इट्स दैट देयर। ओके, तो आज ऐसे ही कुछ दिन है मेरा, मतलब आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, माय आईज आर वेरी यू नो स्ट्रेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, माय हेड इज आल्सो लाइक। तो जब भी ऐसा होता है आई प्रिपेयर दिस ऑयल वेरी फ्रेश एट द सेम टाइम एंड देन यूज इट ऑन माय हेड सो दैट इट गिव्स मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो दोस्तों इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तीन इंग्रेडिएंट्स, और वो तीन इंग्रेडिएंट्स में पहला आता है एलोवेरा। एलोवेरा आपको इजीली आपके गार्डन में होंगे, अदरवाइज अगर आप वो जेल यू नो उस झंझट से नो नहीं पढ़ना चाहते हो तो मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल्स अवेलेबल है। आप कोई भी अच्छे से ब्रांड या जो भी आप यूज़ कर रहे हो वही यूज़ कर लीजिएगा। और दूसरा इंग्रेडिएंट होगा मेथी का दाना, मेथी की सीड्स। मेथी तो आप सभी के किचन में होंगे ही, वो भी रेडीली अवेलेबल है अभी। तो तीसरा इंग्रेडिएंट होगा करी लीव्स। तो करी लीव्स भी आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, एट द सेम टाइम इट आल्सो गिव्स इमेंस रिजल्ट्स इन ग्लोइंग शाइनी एंड प्रीमैच्योर ग्रेइंग में भी हेल्प करता है। ये एक ऑप्शनल है, अदरवाइज मैं दो ही इंग्रेडिएंट ऐड करती हूँ, जस्ट ऑप्शनल। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड इवन अ करी लीव्स। करी लीव्स में जब भी हेयर ऑयल फ्रेश बनाती हूँ तो मेथी इसमें करी लीव्स तो जाता ही है, बिना करी लीव्स के वो स्मेल ना, वो जो फ्रेग्रेंस होता है व्हेन यू ऐड दिस करी लीव्स इन एनी हीट ऑयल्स, दैट अरोमा इज लाइक वेरी कमिंग। तो मेरे को करी लीव्स रहना ही है तो इसलिए मैं करी लीव्स भी ऐड कर रही हूँ। तो इसलिए तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए इसमें, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली ऐड, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, इस हेयर ऑयल को कैसे बनाना है वो शुरुआत करने से पहले मैं इनका बेनिफिट्स बता दूं। एलोवेरा में हर एक एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एलोवेरा को आप हर एक चीज़ में यूज़ करते हो, लाइक बालों के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, स्किन पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, आपके बॉडी लोशंस में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो दिस हैज़ अ मल्टीपर्पज़ यूसेज। एलोवेरा इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर स्किन एंड योर हेयर्स एंड योर बॉडी टू। तो हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एलोवेरा पाया भी जाता है। तो नेक्स्ट आता है मेथी सीड्स। मेथी सीड्स हैज अ बायोकैरोटीन कॉम्पोनेंट इन इट विच ऑल्सो हैज लैक्टिक एसिड, जिसके वजह से आपके बाल को एक लस्ट्रस शाइनी ग्लोई बाउंसी बनाने के साथ ही वो आपके बालों को जो
बाल बढ़ने का जो ये होता है वो बंद हो गया रहता है, उसे बढ़ाने में मदद करता है एंड हेयर फॉल को कम ही कर देता है. तो इट इज़ अ वेरी गुड टॉनिक फॉर योर स्कैल्प. तो मेथी सीड्स इज़ अ मस्ट. मेथी सीड्स को यू नो खाया भी जाता है. अगर आप इनर से भी आपके जो स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, यू नो उसे हेल्दी रखना चाहते हो तो मेथी के पानी जो होता है उसे आप एटलीस्ट फर्स्ट 15 डेज कंज्यूम करके देखिएगा. आपको बहुत ही अच्छा चेंजेस नज़र आ जाएंगे. आपके हेयर फॉल एकदम से यू नो रुक जाएगा एंड यू विल नॉट हैव अ पिंच ऑफ डैंड्रफ ऑल्सो इन योर हेड. तो ये भी आप करके देख सकते हो. ओके, तो मेथी इज़ सो बेनिफिशियल फॉर इवन इनटेक एंड योर बॉडी एंड योर स्किन एंड योर हेयर्स. तो इट हैज़ अगेन अ मल्टीपर्पज यूजेस. Coming to curry leaves benefits, it has the same components as methi seed has. It has beta-carotene component and some proteins present in it which helps in giving a shiny, glowy, lustrous hair. At the same time, it also helps in prematuring of your gray hairs and it also helps in removing the dead skin present in your scalp. At the same time, also makes the hair follicles strong. So use them regularly if possible in your hair oils. Regular hair oils you use these curry leaves to get the maximum benefits out of it. So these are the benefits of all these three ingredients. Now let's dive into the video of how to prepare this hair oil at home. Let's get into. तो दोस्तों यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक फ्रेश एलोवेरा का प्लांट का लीफ. ये मैंने पहले ही काट के रख दिया था ताकि जो इसमें येलो कंटेंट पाया जाता है वो जो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है. मैंने इसे पहले ही काट के एक साइड में रख दिया था अपवर्ड पोजीशन ताकि जो भी इसमें येलो कंटेंट मौजूद है वो नीचे से निकल के चले जाए. तो ये जो नीचे के पार्ट है इसे निकाल दूँगी और साइड्स का दो थॉर्न्स का है उसे मैं निकाल दूँगी और इस तरह से मैं काट लूँगी. छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिएगा स्लाइसेस, छोटे छोटे स्लाइसेस ताकि ये ऑयल में जल्दी से फ्राई हो जाए एंड इसका जो कंटेंट है वो पूरा की पूरा तेल में मिल जाए. तो इस तरह से छोटे छोटे काट लीजिएगा एंड बाय यू नो इफ़ यू वांट टू कूल डाउन योर आईज़, योर आईलिड्स पफिनेस को हटाना है तो इसका दो पीसेस हटा लीजिए. अभी से दो पीसेस साइड में रख लीजिएगा. हाउ ब्यूटिफुल दे लुक राइट, सो ग्रीन एंड जेली जेली काइंड ऑफ. Allow this. Whenever I cut the aloe vera gel, I feel so kind of amazed. तो मैंने गैस पे एक कटोरी रख दिया है, उसमें मैं डालूंगी almond oil. Almond oil मैं बहुत ही कम लूंगी एंड दोनों चीज़ों को आप एक ही साथ डाल के रख दीजिएगा स्टोव में. धीमी आंच पे रखना है एंड ये धीरे धीरे से गर्म, जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा इसका जो वाइट सा फॉग जो होता है वो निकल के आता रहेगा. तो डोंट पैनिक, ये जाते जाते ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जो जेली कंटेंट है एलोवेरा में वो पूरा ऑयल में मिक्स हो रहा है. तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 से 8 पत्ते करी पत्ता डाल दिया. इसे अच्छे से मैंने पीस करके, छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिया एंड उसके बाद मैंने 1 चम्मच या 1/2 चम्मच जितना आप मेथी सीड्स डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे करीबन 1/2 चम्मच मेथी सीड्स डाल दिया इसी में. तो जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ये जो मैं बोली ना ये वाइट का जो जैसे दूध उबलने के टाइम में आता है वैसे ही ये भी झांक आता रहता है. तो डोंट पैनिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि जब ये ज़्यादा हो जाएगा ना, जब ये यू नो इसी तरह से बर्न होते होते देखिए इस तरह से वो ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि वो जो एलोवेरा जेल है वो पूरा ऑयल में मेल्ट हो रहा है. तो इसलिए इस तरह से आपको एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, वाइट क्रीमी टेक्सचर जैसा आप कोई दूध उबालने रखे हो ऐसा रहेगा. तो डोंट पैनिक, दिस इज़ वेरी नॉर्मल. बट मेक श्योर यू कीप द स्टोव इन अ वेरी स्लो बोलते राइट ओके धीमी आंच पे रख के इसे इस तरह से आपको ऑयल को कर लेना है. एंड देखिए मैंने ऑफ कर दिया है स्टोव को एंड ये जो फॉग जैसा बना था ये धीरे धीरे से काम डाउन हो गया एंड पूरा तेल जितना भी बचा है यहाँ नीचे यहाँ पे है. एंड देखिए कलर भी चेंज हुआ है, इट्स बिट ऑफ लाइट ग्रीनिश एंड लाइट पेल येलो कलर. एंड दिस ऑयल आई एम गोना यूज इट विथ मिक्सिंग इट विथ अदर बेस ऑयल. जो मेरा बेस ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी. अब मैं ये जब ये लुक वॉर्म हो
तब इसे मैं इस तरह से छान लूँगी। और आपको कोकोनट ऑयल भी ठंडा होने के बाद मिक्स नहीं करना है, जब ये लूक वार्म रहेगा तब ही मिक्स करके इसे अप्लाई कर लेना है। एंड डोंट माइंड साइड में कोई कुछ कटोरी वटोरी रखे थे, डोंट माइंड। तो इस छाने हुए तेल को यूज़ कर लेना है मेरे स्कैल्प पे। तो अब मैं आपको कलर भी दिखा दूँगी, तेल का कलर कैसा चेंज हुआ होगा। यस, हियर वी गो, पेल येलो एंड मिक्स विथ यू नो सम काइंड ऑफ ग्रीनिश कलर, दिस इज़ अ एलोवेरा ऑयल। तो दोस्तों ये रहा हमारा तेल जो हमने अभी अभी बनाए थे। दिस इज़ हाउ द कलर कम्स इन, इट लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ अ वेरी लाइट ग्रीन काइंड। इसे मैं क्यों नहीं ऐड करी थी कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में जो यू नो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, वो जो गुडनेस का प्रॉपर्टीज़ कोकोनट ऑयल में होता है, जब हम वो उसे हीट करेंगे उसका प्रॉपर्टीज़ जो है वो गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, आई पुट एनी अदर ऑयल्स, चाहे वो आज मैंने डाली थी इसमें आलमंड ऑयल, आप चाहे तो कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो। पहले इस तरह से आप बॉईल कर ले सकते हो, जब इसका इतना ही क्वांटिटी ज़रा ही डालिएगा एंड उसके बाद ये जब लुक वार्म हो जाता है इसे छानने के बाद, तब मैं ऐड करती हूँ कोकोनट ऑयल। तो मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रही हूँ, पैराशूट का ये कोकोनट ऑयल, एंड इस तेल में ये तेल ऐड कर दूँगी जस्ट लाइक दिस। ये अभी भी गर्म है, मतलब ज़रा हल्का हल्का गर्म है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से, एंड दिस मच ऑयल इज़ मोर इनफ फॉर मी। इतना तेल मेरे स्कैल्प में और मेरे लेंग्स में आ जाएंगे। ये दिखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत है। तो पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँगी, इसे पार्टीशन कर लूँगी, डिटैंगल कर लूँगी मेरा हेयर्स। एंड अब देख सकते हो मेरे फेस अभी कितना यू नो डल फील हो रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है कभी कभी, हम लेडीज़ को अक्सर होता रहता है। तो दैट्स हाउ, तो स्टार्ट अप्लाइंग। तो हल्का हल्का गर्म है ये तेल, लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग दिस। वाओ, तो फ्रैग्रेंस इसका ना बहुत ही ज़्यादा नहीं आता। तो इस तरह से मैं अप्लाई करती जाऊंगी, जैसे मैं यूजुअली अप्लाई करती हूँ सेक्शन वाइज अप्लाई करती जाऊंगी, फिर मैं उसके बाद मिलूंगी, क्योंकि यू नो वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती मैं। तो चलिए हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद मिलूंगी, ठीक है। ओके, अप्लाई करना तो हो गया, मैंने यहाँ पे भी लेंथ वाइज भी लगा लिया है, अच्छे से अप्लाई कर लिया है, कुछ है। कच्चा मसाज देंगे सर्कुलर मोशन ताकि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो पाए हमारे बालों में। सो इट्स अ डबल ऑयल बेनिफिट्स आपको, आपके बालों को मिलता है खूब सारा बेनिफिट ऑफ विटामिन ई, कोकोनट ऑयल का प्रॉपर्टीज, एलोवेरा का प्रॉपर्टीज, करी लीव्स, मेथी सीड्स, ऑल गिव्स अ वेरी गुड हीलिंग, सूदिंग, कामिंग, कूलिंग इफेक्ट्स टू योर स्कल्प। Definitely, when you're like very irritated or you know you need some kind of coolness on your bald, I mean hairs, head, just go for this. It's kind of very good cooling hair spa. There are many other oils or kind of applying the way the usage, the content, मतलब oils. But I feel this is the best whenever I'm like this in this kind of situation, when my eyes are in this condition. Okay, so I definitely go for this oil. This oil, you know, specially makes me very calm and cooling and you know nice, this stress relieving kind of oil for me. So I'm just giving a nice massage and I'm done. तो इसे मैं बन बाद में बना लूँगी, टेक बाथ आफ्टर 2 to 3 hours, इसे अच्छे से स्टे इन करूँगी स्कैल्प के ऊपर, उसके बाद मैं नहा लूँगी, हैव अ फ्रेश काइंड ऑफ फीलिंग आफ्टर दैट। तो कट करने के टाइम में एलोवेरा को मैंने इन दोनों पीसेस को बचा लिया था,
ताकि ये जो मेरा स्ट्रेस्ड आईज है उसे जरा सा कूलिंग सेंसेशन मिले, तो इसलिए मैंने कट करने के टाइम में ही, कट करने के बाद मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया था एंड दिस इज सो कोल्ड राइट नाउ एंड वेरी गुड टू गो ऑन योर आईलिड्स. तो यू कैन डू दिस ऑल्सो एंड आई एम गोना प्लेस देम हियर अंडर माय आईज. दैट्स इट, सो कोल्ड एंड यू आर गेटिंग अ डायरेक्ट एलोवेरा जेल. यू नो इट गिव्स अ कामिंग सेंसेशन, सूदिंग सेंसेशन एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पफिनेस, स्ट्रेस इन योर आईज. वेरी नाइस. होप यू आर लाइक दिस वीडियो. आई विल रीच यू आउट. ओके, पहले बात कर लूँगी उसके बाद मैं लगा लूँगी. तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा एंड चलिए मैं आप सभी को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय.